अंक में अध्याय 14 जिसका नाम है सांख्यिकी, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। सांख्यिकी वह तकनीक है जिसमें सामाजिक, प्राकृतिक और आर्थिक स्थितियों से संबंधित आंकड़ों जो विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं, इसके संग्रह, वर्गीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण, निर्वचन, व्याख्या और पूर्व अनुमानों से संबंध रखता है ताकि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। सांख्यिकी का मूल उद्देश्य क्या है? आंकड़ों का अध्ययन करना और उनसे उपयोगी सूचनाओं को प्राप्त करना उद्देश्य कहलाता है। सांख्यिकी का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में भी किया जाता है, जैसे कि मैं सांख्यिकी के अध्ययन को अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक उपयोगी मानता हूँ। शैक्षिक आंकड़े साक्षरता की मानक माप है। पहले वाक्य में सांख्यिकी का प्रयोग एक वचन में किया गया है जिसका आशय एक विषय क्षेत्र से है, जबकि दूसरे वाक्य में आंकड़ों का प्रयोग बहुवचन में है जिसका आशय साक्षरता संबंधी आंकड़ों से है। सांख्यिकी का महत्व क्या है? जिस प्रकार हमें भवन निर्माण से पूर्व पत्थर, चूना, सीमेंट, ईंटें आदि एकत्रित करना होता है, उसी प्रकार सांख्यिकी के अध्ययन में भी प्रारंभ में आंकड़े एकत्रित किया जाना अति आवश्यक है। आंकड़े वास्तव में सांख्यिकी अध्ययन की मूल इकाई है। इसके उचित उपयोग से हम जटिल से जटिल समस्याओं के को कर सकते हैं समाधान उसका। इसके लिए यह अति आवश्यक है कि किए गए आंकड़े शुद्ध, व्यापक एवं प्रमाणित हों। आंकड़ों का संकलन देखते हैं। आंकड़ों को एकत्र करने के स्रोतों के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम यानी प्राइमरी डाटा, द्वितीय आंकड़े यानी सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक आंकड़े जिन आंकड़ों को स्वयं या अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से नए सिरे से पहली बार संग्रहित करता है, उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। उदाहरण, यदि एक अन्वेषक विद्यालय में पढ़ने एवं बच्चों की पर्यावरण स्थिति का अध्ययन करना चाहता है, वह कुछ आंकड़े उनके घर की मानसिक आय और भाई बहनों की संख्या के स्रोत इत्यादि के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की निम्न विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत, दूसरा परोक्ष। परोक्ष अन्वेषण से आंकड़े निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। प्रगणकों द्वारा अनुसूचित जातियां भरवाकर, सूचकों द्वारा प्रश्नावलियां भरवाकर, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति, विशेषज्ञों के माध्यम से परोक्ष मौखिक अन्वेषण से। ख आता है गौण आंकड़े या द्वितीय आंकड़े। ये भी आंकड़े होते हैं जिनका पूर्व में अन्य किसी संस्था द्वारा संकलन किया जा चुका हो, जो प्रकाशित या अप्रकाशित स्थिति में हो सकते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। इसके स्रोत दो हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन एंड सरकारी संगठन। आइए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। आंकड़े का अर्थ होता है बहुत सारे संख्याएं, संख्याओं को एक सारणीबद्ध रूप में और एकत्रित करके और उसको व्यवस्थित क्रम में जो लिखना है और उसको सारणी बनाना है, वो आंकड़े उस प्रकार से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में से एकत्रित कर सकते हैं। तो दैनिक जीवन में पहला आंकड़ा है इसमें हमारी कक्षा में छात्रों की संख्या। अगर आप स्कूल में हैं तो क्या आएगा इसमें? छात्रों की कुल संख्या प्राप्त होगी। दूसरा आंकड़ा है हमारे स्कूल में पंखों की संख्या, यानी बहुत सारे जितने भी पंखे हैं स्कूल में, ऑफिस में लगे हैं, जहाँ पे भी, वो सारी संख्याओं का आंकड़ा। तो सारणी है हमारे घर का पिछले 2 साल का बिजली का बिल। आप देखते हैं कि हर मंथ जो है बिजली का बिल आता है, उसके अकॉर्डिंग 2 साल के एकत्रित करके ये आंकड़ों का सारणी कहलाएगा। नेक्स्ट आता है टीवी और अखबार से प्राप्त मतदान परिणाम। फिर नेक्स्ट आता है शैक्षिक सर्वे से प्राप्त साक्षरता दर के आंकड़े और भी विभिन्न उत्तर हो सकते हैं। प्रश्नावली का एक इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। आंकड़ों को कैसे सारणी में लिखा जाता है, कैसे कॉलम बनाए जाते हैं? 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थी के रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप ये इस प्रकार है कि पहला छात्र का ब्लड ग्रुप ए, दूसरे का बी, तीसरे का ओ, चौथे का ओ। इस प्रकार से 30 छात्रों के ब्लड ग्रुप आपको ये क्रम अनुसार दिए गए। इन आंकड़ों को एक
प्रस्तुत कीजिए, बताइए कि इन विद्यालयों में कौन सा अर्थ समूह अधिक सामान्य है, कौन सा अर्थ समूह विरलतम अर्थ समूह है। तो सबसे पहले बच्चों ये करेंगे कि दो सारणी बनाएंगे, दो कॉलम बनाएंगे। इसके पहले कॉलम में लिखेंगे रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। तो ब्लड ग्रुप में, ब्लड ग्रुप होता है ए बी ओ और ए बी, ये चार ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक। तो ए के लिए, ए में आप सारणी देखेंगे कि ए में कितने काउंट करेंगे, ए के कितने ए हैं, तो आप काउंट करते हैं ए दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ। तो ए जो है विद्यार्थियों की संख्या जो है, नौ विद्यार्थियों का रक्त समूह क्या है ए। फिर इसी प्रकार बी को काउंट करेंगे तो देखेंगे कि छह जो है छात्रों को के का ब्लड ग्रुप बी है, इसी प्रकार 12 छात्रों का ब्लड ग्रुप ओ है, इसी प्रकार 3 छात्रों का ब्लड ग्रुप ए बी है। तो इस प्रकार ये सारणी आंकड़ों को सारणीबद्ध किया गया। आप इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पे ये संख्या प्लस करते जाएंगे, ये संख्या प्राप्त होगी 300 की। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 अंकों को एक साथ 30 बार उछालें, प्रत्येक बार चिप या हेड आने की संख्या निम्न प्रकार है। तो हेड आने की जो संख्या है कि एक बार जीरो आएगा, फिर एक आएगा, फिर दोबारा में एक बार एक, दोबारा एक और दो, ये इस प्रकार 30 बार जो है ये संख्या प्राप्त होगी। ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबार बंटन सारणी बनाइए, सारणी बनाना। चित आने की न्यूनतम संख्या 0 और अधिकतम संख्या क्या है 3 है। अब बारंबार का सारणी निम्न है, तो दो कॉलम, 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे 3 सिक्कों की उछाल में चित आने की संख्या, दूसरे कॉलम में लिखेंगे आवृत्ति के लिए तैली चिन्ह, और तीसरे कॉलम में लिखेंगे 12 वार्ता यानी एफ। अब 3 सिक्कों की उछाल में 0 आने की प्रायिकता, तो 0 आने की जो संख्या है कितने 0 है ये काउंट करेंगे, काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक, और 6 है ना। तो साथ देखते हैं कि आंकड़ों में 6 जो है वो 0 आएगा, तो 6 0 के लिए टैली चिन्ह इस प्रकार होगा। क्या करेंगे हम, 4 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, पांचवी लाइन इस प्रकार खींचेंगे और छठवीं लाइन अलग से खींचेंगे, तो ये टैली चिन्ह कहलाएगा। उसकी बारंबारता कितनी होगी 6, क्योंकि 6 बार 0 आंकड़ों में आया है। ठीक इसी प्रकार एक के लिए, एक जो है वो कितने बार आया है, तो देखेंगे एक जो है वो 10 बार है, 10 के लिए फिर से इसी प्रकार का टैली चिन्ह बनाएंगे, 4 लाइन खींचेंगे, पांचवी और फिर 4 लाइन और 5, तो 5 और 5 कितने होंगे, क्या होंगे 10 होंगे, और यहाँ पे खींचा था 5 और 1 होगा 6। ठीक इसी प्रकार 2 जो है वो कितने बार आया है, 9 बार आया है, ठीक, तो एक बार 5 और एक बार 4 आया। ये आ गया, ठीक इसी प्रकार 3 कितने बार आया है, 5 बार, 4 धन 1 ये 5 बार। अब इनको काउंट कर जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 इंजीनियर की उनके आवास के कार्यस्थल की किलोमीटर दूरियों में है, यानी 40 कोई इंजीनियर है और जो उनका जो कार्यस्थान ऑफिस है वो जो है कुछ किलोमीटर दूरी पर, ये किलोमीटर्स दिए गए हैं कि एक एक इंजीनियर का 5 किलोमीटर है, दूसरे इंजीनियर का इस तरीके से ये किलोमीटर में आपको दिए। अब इसके लिए हमको क्या बनाना है, एक सारणी बनाना, सारणी बनाने के लिए देखिए पहला लिखेंगे दूरी पहला, दूसरा कॉलम बनाएंगे तो मिलान चिन्ह, और तीसरा बनाएंगे बारंबार, ठीक। अब दूरी 5 में कितनी जो है ये संख्या ये देखेंगे, 0 से 5 में जो है बारंबारता 5 बार आई, देखिए
पहले तो पांच ले लेंगे, दूसरा पांच से छोटी संख्या पांच के बराबर, तीन पांच और पांच से छोटी संख्या होगी दो और तीन होगी, ठीक एक दो तीन चार पांच, ठीक दोबारा पांच कितनी हुई पांच ही काउंटिंग करेंगे। इसी प्रकार पांच किलोमीटर से दस किलोमीटर है ना की दूरी के पांच से अधिक और दस से कम, ठीक है। तो पांच से अधिक कौन सी संख्या लेंगे, देखिए संख्या लेंगे, तो पांच से बड़ी संख्या, पांच से बड़ी संख्या क्या होगी, छह सात और फिर सात और सात आठ और नौ, छह और नौ। अब देखिए कितनी संख्या होगी, काउंट करते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ और फिर सात। ये संख्या कहलाएगी 11। 11 जो है वो इस प्रकार होंगे, 10 से 15 के बीच में भी गिनेंगे तो 11 होंगे, 15 से 20 की जो संख्याएं गिनेंगी किलोमीटर में वो भी 9 होंगे, 20 से 25 के लिए 1, 25 से 30 से 35 1। इस प्रकार बारंबारता आपको क्या करेंगे, योग करेंगे, ऐड करेंगे इनको, दो संख्या प्राप्त होगी 40। हमारे इनसे उच्चतम सीमा इस वर्ग में शामिल नहीं है, अतः 0 से 5 किलोमीटर वर्ग में अपने काम पर जाने के लिए 5 किलोमीटर चली गई दूरी इस वर्ग में नहीं आएगी, वह अपने वर्ग 5-10 में आएगी। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 40 में 27 इंजीनियरों का कार्य स्थल उनके घर से 15 किलोमीटर से अधिक नहीं है। तो बच्चों आज आपने दो इंपॉर्टेंट सवाल को अध्ययन किया, आपको ये प्रैक्टिस करनी है, कॉपी में लिखना है और अच्छे से सारणी भी बनानी है।